बिग बॉस के घर में शमिता शेट्टी की केमिस्ट्री राकेश बापट के साथ खूब जमी। इनफैक्ट घर के बाहर भी दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शमिता शेट्टी का एक टाइम पर बॉलीवुड के एक मैरिड एक्टर के साथ भी नाम जुड़ा था और इस एक्टर के लिए शमिता बेहद सीरियस थी। कहा तो ये भी जाता है कि टिल डेट शमिता अनमैरिड इसीलिए है क्योंकि उस एक्टर से शमिता बहुत सीरियसली प्यार करती थी। ये बात तब की है जब शमिता ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया ही था। शमिता शेट्टी को इंडस्ट्री में ब्रेक तो बहुत बड़ा मिल गया लेकिन आगे सस्टेन करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आई। कुछ ही फिल्मों के बाद शमिता शेट्टी फिल्मों में सेकंड लीड और स्पेशल अपेयरेंस करने लगी। इसी दौरान शमिता शेट्टी ने एक फिल्म की थी। इस फिल्म में उनकी बहन शिल्पा शेट्टी भी उनके साथ थी और शिल्पा और शमिता पहली बार इसी फिल्म में एक साथ नजर आई थी। ये फिल्म थी फरेब। इसी फिल्म में मनोज बाजपेयी ने भी काम किया था और इस फिल्म में शमिता शेट्टी के मनोज बाजपेयी के साथ काफ़ी लव मेकिंग सीन थे। फिल्म में कई ऐसे सीन थे जहां पर शमिता को मनोज बाजपेयी को सिड्यूस करना था। कहा जाता है कि फिल्म में जिस दौरान मनोज बाजपेयी और शमिता की ये इंटीमेट केमिस्ट्री नज़र आ रही थी तभी शमिता मनोज बाजपेयी को पसंद करने लगी थी। मनोज बाजपेयी थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं। अगर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है तो एक्टिंग ही किया है और अपने काम के प्रति वो कितने समर्पित हैं ये तो हम सब जानते हैं। मनोज बाजपेयी का डिसिप्लिन, उनका प्रोफेशनलिज्म और एक्टिंग के प्रति उनका जो डेडिकेशन था वो देखकर शमिता हर दिन मनोज बाजपेयी से इम्प्रेस होती। शमिता अपने आप को मनोज बाजपेयी से प्यार करने के लिए रोक नहीं पाई और तब शमिता और मनोज बाजपेयी के अफेयर को लेकर काफ़ी चर्चे थे। ये चर्चे ज़्यादा भी इसलिए थे क्योंकि शमिता जहाँ एक तरफ शिल्पा शेट्टी की बहन थी वहीं मनोज बाजपेयी खुद मैरिड थे। वो करीब फेम एक्ट्रेस नेहा से शादी कर चुके थे और तब शमिता के लिए इस तरह की बातें खूब उड़ी कि कैसे शमिता जो है एक मैरिड एक्टर को डेट कर रही है। सेम टाइम पर शमिता और मनोज बाजपेयी एक और फिल्म में नज़र आए थे। ये फिल्म थी बेवफा। हालांकि इस फिल्म में ना मनोज बाजपेयी का रोल बड़ा था और ना ही शमिता का रोल बड़ा था। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद कभी भी मनोज बाजपेयी और शमिता एक साथ नज़र नहीं आए। जहां मनोज बाजपेयी अपनी फैमिली और अपने करियर के साथ बिजी हो गए वहीं शमिता का बॉलीवुड करियर कुछ ही समय में डूब सा गया और इसी के साथ इन दोनों के अफेयर की खबरें आना भी बंद हो गई। मनोज बाजपेयी के अलावा शमिता शेट्टी का नाम आफताब शिवदसानी और हरमन बवेजा के साथ भी जुड़ चुका है और अब राकेश बापट के साथ वो रोमांटिक रिलेशन में नजर आ रही है।